तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सबके। तो गाइस यार, आ गया हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज कोई वीडियो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आज अपन लोग सिर्फ और सिर्फ पिस्टल चैलेंज करने वाले हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, एपेक्स में ऐसी कुछ पिस्टल्स होती हैं जो मतलब एआर से कम नहीं है, मतलब कि राइफल से कम नहीं है या फिर एसएमजी से कम नहीं है, फिर भी अपन लोग आज पिस्टल चैलेंज करने वाले हैं। और तुम लोगों को पता ही है, अपने को चाहिए होगी विंगमैन। सबसे पहले भाई विंगमैन मिल गई ना, साला टेंशन नहीं है फिर तो। अपना लक देखो भाई, लोग बोले तो एकदम क्या बोलते भाई, फाड़ू नहीं बे, एकदम। अबे यार, फाड़ू शब्द बोले तो थोड़ा छोटा हो गया, तबाही है, नहीं ये ज़्यादा हो गया। अबे यार, इसके बीच वाला क्या रहता है, छोड़ो यार, बस इतना समझ जाओ कि यहाँ पर लक अपना बहुत ही मस्त है, क्योंकि देखो अपने पास विंगमैन मिल गई है, हाथ में है ना, ये देखो अपन रिलोड किया अभी, और साथ ही साथ अपने पास है RE-45। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भाई, बता रहा हूँ, जय वीरू की तरह है, बहुत डेंजर कॉम्बिनेशन है। ओके भाई, तो यहाँ पर एक झापड़ी का डाउन हो गया, ये घिसेला पता नहीं किधर से अपने को दिख गया। अभी जो भी इसको इसके बंदे उठाएं, इससे पहले अपन चल के उठा लेते बोले तो गिरा देते। अबे गिर तो गया है, मतलब ठोक डालते इसको। किधर है, बस चल के बजाने गए इससे पहले कि चलो किल मिल चुका है अपने को भाई। इधर पब्लिक है, देख रहे हो, इधर बहुत पब्लिक है। तो यार यहाँ पर, अबे ये किधर से आ रहा था भाई, ये सही में पूरा घिसेला आ रहा था, एकदम घिसड़ घिसड़ के। इसको ही तो मैं ढूंढ रहा था भाई, ये वाइट कबूतर को ही तो मैं ढूंढ रहा था। और यहाँ पर अपना मिराज, ये देखो मिल गए भाई, लग गई इसकी। ओके ये रहा ब्लड हाउंड, इसी ने टपकाया होगा। अबे बहुत पड़ी है इसको, अबे रुक दी जा, मुंह पे घिसर खुंडी खेल रहा तेरी माँ का घिसर खुंडी। अबे कब डाउन होगा ये, जाते जाते पड़ गई, अभी नीचे उसका डब्बा ही गिरा होगा भाई। सोचो अगर उसका टीममेट नीचे वेट कर रहा होगा, कैसा लगा होगा। ओ भाई, वेट तो अपने भाई ब्लड हाउंड का कर रहे थे, नीचे गिरा डब्बा, जादू हो गया बोले तो। चलो तो यहाँ पर अभी चल के उसके डब्बे में हाथ हिलाते हैं, मतलब लूटते हैं, हाथ हिलाते हैं बोले तो, लूट लेते हैं। अबे इसके पास भी कुछ नहीं था, अबे भिखारी था पूरा, इसीलिए भाई वो कल्टी मारने के मोड़ में था, पूरा भाग रहा था वो सब कुछ छोड़ छाड़ के। और चलो अभी यहीं पर बीकन है, तो अपने मिराज को बुलाया जाए, है ना। बस पहुँच गए भाई, इधर है कोई, अबे इधर कोई है। ओ तेरी साले, पहले से नंबर लगा के बैठा था भाई, ये खा गया बीकन। ये देखो इसके बंदे को बुलाया इसने, बेटा तू तो गड़बड़ कर गया साला, क्या कमाल है बे, ऐसा भी हो रहा है क्या, साला पहले से ही नंबर लगा के बैठा था भाई। तो अभी इसके बंदों को भर देते। अबे ये तो वाइट कबूतर, वाइट वाला पाथ फाइंडर। चलो बढ़िया, साला दो दो बार किल मिला इसका, और क्या चाहिए, है ना, बस ऐसे ही चलता रहे यार। ओके तो भाई लोग, यार वीडियो को लाइक ना किया हो ना तो जरूर लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यार बहुत ही अच्छा होगा, सपोर्ट मिलेगा अपने चैनल को। यहाँ पर फिलहाल के लिए अपन मिराज को बुला रहे, चलो कम से कम यहाँ साला कोई नंबर लगा के तो नहीं बैठा ना। नहीं, अपन सोच रहा था भाई, मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मैं सोच रहा था साला इधर तो कोई नंबर नहीं लगाया ना। देखो यार, सीन कुछ ऐसा हो गया कि जैसे ही अपन ने मिराज को बुलाया, वापस रिस्पॉन किया, उसके बाद अपना जो ब्लड हाउंड था वो आगे मतलब लगा हुआ था, और उसके पास थे बंदे, अभी उसने मार्किंग करना स्टार्ट किया, तो अपने को पता चला चिल्लम चिल्ले में। तो भाई अपन जल्दी से भागा कि समय से पहुंच जाते, नहीं ऐसा ना हो कि वहां पर जाके साला फिर से उसका बैनर ही उठाना पड़े, है ना। नहीं, यही काम तो करना है अपने को, पहले उस ढक्कन मिराज का उठाओ और अभी इसका ब्लड हाउंड का अपने। लेकिन फिलहाल थोड़ा टाइम से पहुँच आता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा थोड़ा टाइम से, अभी यहाँ पर मैं पहुँचा तो ये देखो भाई, ये सामने वाले बंदे जो ही घूम के घेर रहे हैं ना अपने ब्लड हाउंड को, मैं समझ गया भाई फुल टू टिकट काटने का मूड है इनका। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं थोड़ा समय से तो पहुँच जाता हूँ, लेकिन मेरी भी लगने वाली थी, साले बंदे पूरा मुँह पे चढ़ आते हैं, देखो सीन क्या होता है। Reloading.
यहाँ पर, अबे यार यहाँ पर जो ही विंगमैन से मैं मिस किया हूँ ना, अबे सही बता रहा हूँ, अपने को लगा अभी वो जिब्राल्टर अपने ऊपर चढ़ गए, अपने को पेल देगा, लेकिन नहीं, ऐसे ही फायर करो, कवर में आओ, फायर करो फिर कवर में आओ, और डाउन कर दिया उसको। तो भाई देखो इसमें एपेक्स में ना सीन ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं पबजी जैसा नहीं कि अबे 1 HP क्लच, अबे पेल दिए जाओगे मैं बता रहा हूँ। और भाई तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, ये सटकेला जिब्राल्टर भाई इसकी भी सटक गई, घूम गई, साले ने अल्टीमेट मार दिया इधर, मतलब इधर कौन सा काम का अल्टीमेट बे, अपन रूम के अंदर है, मतलब कमरे के अंदर है, ये जो भी है छत तो है ना ऊपर, तो इसकी पूरी की पूरी मिसाइल्स वगैरह सब ऊपर ही गिर गई, कुछ घंटा फर्क पड़ा नहीं। तो यार इस गेम में सीन कैसा होता है पता है, मैंने नोटिस किया है काफ़ी ज़्यादा कि साला मारो कम बचो ज़्यादा, ये रूल याद रखना, मारो कम बचो ज़्यादा, मतलब कि अपने आप को बचा के ज़्यादा रखो, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यार यहाँ पर देखो सीन ये हुआ कि वो बैंगलोर थी, नोटिस किया होगा उसके पास थी गोल्ड नॉकडाउन शील्ड, जब मैंने नॉक किया था तो उसने सेल्फ रिवाइव किया, फिर जिब्राल्टर को उठाया, और देखो भाई क्या ही झापड़ी का सीन है, मतलब साला पहले तो मैंने दोनों को डाउन किया, अभी यहाँ पर एक का भी किल नहीं आया, वाह बेटा वाह कमाल है, सब अपना ब्लड हाउंड खा गया साला। तो यार यहाँ पर अभी अपने जो बंदे हैं यानी कि ये रैंडम टीममेट्स, ये एशियन बंदे हैं, और माइक चालू करके रखा है, मतलब कुछ टाइम बाद तुम लोग खुद ही नोटिस करोगे, कमाल कमाल की बातें हो रही थी, साला समझ में आता तो और मजा आता, ऐसा क्यों पता है, क्योंकि क्योंकि मैं अभी नहीं बताएगा, थोड़ा आगे बताएगा, ठीक है, मतलब आगे बताएगा क्या, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे क्या सीन चल रहा था। तो यहाँ पर अपना ब्लड हाउंड ये देखो स्प्लिट फायर को मार्क कर रहा है अपने लिए शायद, हाँ क्योंकि मैं वहाँ पहुँचा, शायद उसको ये गन पसंद नहीं है या फिर जो भी वजह है, मैं पहुँचा तो ये बोल रहा था ले लो करके, अब इसको क्या पता बांगड़ू को कि साला अपन पिस्टल चैलेंज कर रहा है, वरना नहीं मैं नहीं ले सकता, मेरा पिस्टल वाला उपवास है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू रख ले, लेकिन नहीं ये निकल लिया, मैं बोला ठीक है चलो पड़ी रहने दो, फिर ऐसी क्या कहते हैं सजा के रखी हुई अच्छी लगती है ना। तो यार देखो मैं क्यों बोल रहा था कि इनकी बात समझ में आती तो और मज़ा आता, देखो सीन कुछ ऐसा था, इनमें से एक मतलब गर्ल की आवाज़ आ रही थी एक लड़के की, तो मतलब हाँ मतलब वही, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा समझते तो शायद कुछ टाइम पास हो जाता अपना, लेकिन नहीं, अपने को तो यार कुछ घंटा भी समझ में आ नहीं रहा था। यहाँ पर देखो बंदों से हो गई थी अपना, एक बंदा यहाँ पर फिर ढनंग जाता है ब्लड हाउंड, तो यहाँ पर ये रेत भागी, मैंने सोचा तब तक अपने बंदे को उठा लेते हैं भाई, यही मौका है ना, यही मौका है, चांस मारते हैं, जैसे ही उठाया इधर इनका बंदा आ गया, अपने ब्लड हाउंड को फिर से डाउन किया, अब ये हाउंड को डाउन करने के बाद जो रेत थी भाग के गई थी ना वो आ गई वापस, अपने को पता था कभी भी एंट्री मारेगी, तो मैं कट लिया वहां से क्योंकि अपने शील्ड वगैरह पूरी खत्म थी। यहाँ पर एक को तो फिनिश कर दिया, बढ़िया हुआ, मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि साले वहाँ पर रेडी हो जाएं और बाद में अपनी खबर ले लें, तो मैंने कहा एक काम करते हैं एक की खबर पहले न्यूज़पेपर में छापो साले की। यार यहाँ पर पिंग काफी हाई है, तुम लोग समझ ही सकते हो वो रेत काफी लेट डाउन हुई, अभी इसका बंदा ब्लड हाउंड, इसको मैं ठोक रहा हूँ, और एक और ब्लड हाउंड का पीछे से स्कैन आ रही है भाई, मतलब झोल चल रहा है तगड़ा वाला, अपने मिराज को भी डाउन कर दिया इधर,
और यहाँ पर ये ब्लड हाउंड देखो पंचेस मार रहा था अपने को, तो ऑक्टेन का आधा किलो का हाथ जो पड़ा है ना इसको, गया निकल गया। तो यहाँ पर अभी सीन देखो, अपनी RE-45 में बुलेट्स खत्म थी यानी कि एमो नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर फ्लैट लाइन उठाई। मतलब कुछ समय के लिए यार झोल ये हुआ कि मैं भूल गया कि मैं पिस्टल चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन टेंशन मत लो अपन उसको यूज़ नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर ब्लड हाउंड का स्कैन फिर से आया तो मैं कट लिया भाई, मतलब कट लिया इसलिए ताकि ऊपर से बेटर होता है ना, ऊपर से सब कुछ बेटर होता है बे, समझ रहे हो ना, ऊपर से सब कुछ बेटर होता है। ओके तो यार यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को बोले तो सब्सक्राइब करके जाने का। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।